हेलो दोस्तों, आपका आरएस क्लासेज बांदीकुई में स्वागत है। आज दोस्तों हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 करेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों प्रश्नावली 1.2 या एक प्रश्नावली एक यानी इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली है, उसको ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी हमको दोस्तों ये सत्य हैं तो क्यों सत्य हैं, और असत्य हैं तो क्यों असत्य हैं, इनका कारण देना है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? कि इसका आंसर होगा दोस्तों हाँ, यानी सत्य है, सत्य बात है दोस्तों। क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का वर्ग करने पर हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। जैसे दोस्तों ये वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वे होती हैं जिनका वर्गमूल करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। जैसे दोस्तों 25 का वर्ग क्या वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 5 होता है। उसी प्रकार माइनस छत्तीस या प्लस छत्तीस इसका वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 6। यानी दोस्तों 25 ये वर्गमूल संख्या है। वर्गमूल करने पर हमको क्या प्राप्त हो गया? वर्गमूल करेंगे इसका तो क्या प्राप्त होगी? 5 संख्या। तो ये हमारी संख्या ही होती है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु एम के अंडर रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है, जहां पर एक प्राकृत संख्या है। इसका आंसर होगा दोस्तों असत्य, असत्य। क्योंकि सरल रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अतः प्राकृत संख्याएं केवल होती हैं, इसलिए यह असत्य बात है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होती है, जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, यानी 4 का वर्गमूल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों असत्य, असत्य। क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या का क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या धनात्मक या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है तथा ये अपरिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं तथा हम वास्तविक संख्या को पी बटा रूप वास्तविक संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। इसका आंसर होगा दोस्तों नहीं, क्योंकि 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 धनात्मक क्योंकि धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल हमेशा हमेशा परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, ये हमारे पास में अंडर रूट वर्गमूल 4 है, इसका हम वर्गमूल करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2, जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है। इसके बाद में दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित निरूपित किया जा सकता है, किया जा सकता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संख्या रेखा पर, यानी दोस्तों हमारा है क्वेश्चन संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसको पहले हमको दोस्तों इस समीकरण वर्गमूल 5 को समझने निरूपित करने से पहले हमको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे दोस्तों हमको इसको निरूपित करने से पहले हम एक बात याद रखेंगे दोस्तों, हमारे पास एक समकोण होता है, समकोण होता है यानी
90 डिग्री का कोण, ये हमारा 90 डिग्री होता है। इसमें दोस्तों ये होता है दोस्तों आधार, आधार ये होता है हमारा दोस्तों लंब। और 90 डिग्री के कोण लंब, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है दोस्तों, करण। और ये मान लिया हमने थीटा, तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है दोस्तों, लंब। तो दोस्तों इसमें हमारे पाइथागोरस थ्योरम में, हमारी पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है दोस्तों, हम इसमें दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे पाइथो पाइथो गोरस पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम हमने दोस्तों कक्षा 8 में पढ़ा है, हम जानते हैं हमने क्या पढ़ा है दोस्तों कक्षा 8 के अंदर, कि करण, करण का स्क्वायर, कि दोस्तों करण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, यह दोस्तों हमें हमने पढ़ा है दोस्तों, आधार का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। हम दोस्तों इस स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों करण, करण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास में करण बराबर हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये दोस्तों स्क्वायर यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो हमारे हमने ये समीकरण पढ़ी है, ये हमारे दोस्तों समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके बाद में यदि हमारे पास में आधार, आधार यानी आधार, इसमें दोस्तों हमारा पास में आधार, आधार बराबर 1 है और लंब, लंब बराबर 1 है, तो हमारा करण, करण क्या होगा, तो करण पूछा है हमने, मान लिया इसमें हमने करण पूछा है, हमारा करण क्या होगा दोस्तों, करण बराबर वर्गमूल 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों करण बराबर अंडर रूट 2। तो इस अंडर रूट 2 का कोई वर्गमूल होता नहीं है दोस्तों, तो हमारा करण क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल 2। और यदि दोस्तों हमारे पास में आधार, आधार आधार यदि हमारे पास में दोस्तों आधार बराबर हमारे पास में यदि अंडर रूट या वर्गमूल 2 और लंब बराबर 1 हो, यदि हमारे पास में आधार तो हो अंडर वर्गमूल 2 और लंब क्या हो दोस्तों 1, तो हमारा करण क्या होगा दोस्तों, करण बराबर क्या होगा दोस्तों, हमको करण ज्ञात करना, तो इसमें हम सर्व समीकरण लगा देंगे, तो करण बराबर वर्गमूल आधार का स्क्वायर यानी अंडर वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो दोस्तों करण बराबर वर्गमूल, दोस्तों जब हमारी संख्या वर्गमूल में होती है तो इसका हम स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है दोस्तों, संख्या रह जाती है प्लस 1। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करण बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास में
वर्गमूल 3, यानी दोस्तों हमारे पास में जब वर्गमूल 2 और लंब 1 है तो हमारे पास में कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा दोस्तों दूसरा पॉइंट, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा। इसके बाद में ये हमारा तीसरा पॉइंट, क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा यदि 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 आधार बरोबर, आधार बरोबर अंडर रूट 3 और लंब बरोबर 1 हो, तो करण बरोबर क्या होगा, तो इसमें भी हम दोस्तों यही पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे। हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों, करण बरोबर वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारा करण बराबर आ जाएगा दोस्तों वर्गमूल 4। इसके बाद में दोस्तों हमारे चौंतीस समीकरण है दोस्तों, यदि आधार बराबर वर्गमूल 4 और लंब बराबर 1 हो, तो करण बराबर क्या होगा। इसमें भी दोस्तों हम सर्व समीकरण लगा देंगे, करण बराबर वर्गमूल 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम, तो हमारे पास में आया करण बराबर वर्गमूल 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो हमारे पास में आ गया दोस्तों करण बराबर क्या आ गया दोस्तों, वर्गमूल 5। या दोस्तों हम वर्गमूल 5 किस प्रकार ला सकते हैं दोस्तों, यदि हमारे पास में आधार तो हो वर्गमूल 3 और लंब हो दोस्तों वर्गमूल 2, तो हमारा करण होगा दोस्तों, करण बराबर वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, तो हमारी करण बराबर वर्गमूल 3 प्लस 2। तो दोस्तों करण बराबर वर्गमूल 5। तो हमको इस बात हमको मालूम पड़ इस बात को मैं समझाना इसलिए चाहता था दोस्तों आपको, कि हमको वर्गमूल 5 को निरूपित कर, संख्या रेखा पर 5 को निरूपित करने के लिए पहले मुझको दोस्तों वर्गमूल 2 निरूपित करना पड़ेगा, उसके बाद में वर्गमूल 3 निरूपित करना पड़ेगा, या उसके बाद में 4 निरूपित करना पड़ेगा, फिर 4 के बाद में 5 निरूपित करना पड़ेगा। यानी दोस्तों या तो हम 4 स्टेप करें या दोस्तों हम 3 स्टेपों में कंप्लीट कर दें, यानी वर्गमूल 2 का निरूपण करेंगे और 2 3 का निरूपण करेंगे, उसके बाद में ही हम 3 और वर्गमूल 2 का निरूपण करके इसको हम हल कर देंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले एक हम रेखाखंड लेते हैं, हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले
एक रेखाखंड लेते हैं। रेखाखंड क्या होता है दोस्तों? दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। रेखाखंड होता है दोस्तों दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो इसको हम रेखाखंड कहते हैं। और इनके बिंदुओं के बीच में दोस्तों वन इकाई, यानी एक इकाई पर अंत, एक इकाई का अंतर लेंगे, यानी एक एक इकाई, एक एक इकाई का अंतर ले लेंगे। तो हमारे पास में दोस्तों ये हो गया दोस्तों बिंदु O, और ये हो गया दोस्तों बिंदु P। इसके बाद में ये बिंदु O हो गया दोस्तों, या दोस्तों ये बिंदु A, ये बिंदु हमारा P, और ये दोस्तों 0, ये हमारा 1, ये हमारा, यानी दोस्तों इनके बीच में एक इकाई का अंतर है, ये 3, ये 4। इसके बाद में दोस्तों हमारा यदि, अब सबसे पहले मैं दोस्तों इस पे क्या करूँगा दोस्तों, ये हमारी रेखा है दोस्तों, इसमें हमने एक इकाई का अंतर लेते हुए निरूपण कर दिया। इसके बाद में हम दोस्तों चांदी की सहायता से दोस्तों बिंदु एक, यानी दोस्तों हमारा आधार एक हो, उस पे हम दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांदी की सहायता से हम दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे दोस्तों। तो हमारा ये एक और मैं बना देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों ये हमारी एक बिंदु जहाँ पे हमने ये डॉट लगाया है उसको हम बिंदु P1 नाम दे देंगे, और दोस्तों इनको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, इसको हम दोस्तों स्केल की सहायता से मिला देंगे। जब दोस्तों हमारा, इसके बाद में दोस्तों हम प्रकार की सहायता से बिंदु हमारा ये एक पॉइंट है दोस्तों, उस पे हम प्रकार की सहायता से बिंदु एक 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 इकाई का चाप काटेंगे, एक इकाई का चाप काटेंगे प्रकार की सहायता से दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा, हमने ये काट दिया दोस्तों। इसके बाद में ये हमने ये चाप काट दिया। अब बिंदु 0 और ये बिंदु P, यानी यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे दोस्तों P1, इसको हम P1 नाम दे देंगे। और दोस्तों ये हमारा दोस्तों इसको हम मिला देंगे, ये इसको हम मिला देंगे। तो दोस्तों हमारा जब आधार एक और लंब एक होता है तो हमारा कर्ण कितना होता है दोस्तों? कर्ण होता है दोस्तों 2। तो इसको दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों ये दोस्तों हमारे पास में क्या आएगा दोस्तों, ये कर्ण 2 आ गया, वर्गमूल 2 आ गया। अब वर्गमूल 2 का चाप भरेंगे हम दोस्तों, वर्गमूल 2 का चाप भरने के बाद में ये वर्गमूल की लंबाई आ गई दोस्तों हमारे पास में। हमने बिंदु O और P1 को मिलाने के पर हमारे पास में बिंदु वर्गमूल की लंबाई, इसका हम चाप भर लेंगे दोस्तों, और इसको हम नीचे की साइड यानी रेखा पर चाप काट देंगे। ये जहाँ पे ही कटेगा, जहाँ पे ये कटेगा यहाँ पे क्या संख्या आएगी दोस्तों हमारी? वर्गमूल 2। इसके बाद में दोस्तों जब हमारा आधार क्या हो दोस्तों? आधार तो हो दोस्तों वर्गमूल 2, ये मैंने लिखा है दोस्तों। आधार तो हमारा 2 वर्गमूल 2, और लंब हो 1, वर्गमूल हो, आधार तो हो वर्गमूल 2 और लंब हो 1, तो वहां पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों हमको? वर्गमूल 3 होगा। तो हम प्रकार की सहायता से बिंदु P1 पर हम एक समकोण चित्र बनाएंगे।
ये मैं समकोण चित्र बना देता हूँ दोस्तों। इसके बाद में ये हमने समकोण बना दिया, स्केल की सहायता से इसको हम मिला लेंगे। इसको मैंने मिला दिया दोस्तों। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों आपको, कि ये हमारा दोस्तों आधार हो गए, इस बिंदु पे क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आधार हो गए। इसके बाद में हमारा ये ऊपर वाला ये लंब है, लंब क्या है दोस्तों, हमारा एक है। तो हम दोस्तों इस पे 1 डिग्री प्रकार की सहायता से 1 इकाई का चाप काटेंगे। प्रकार की सहायता से दोस्तों हम 1 इकाई का चाप काटेंगे, जहाँ पे कटेगा उसको हम बिंदु ओ से मिला देंगे, बिंदु 0 से मिला देंगे। यानी दोस्तों हम इसको मिला लेंगे फिर। इसके बाद में हम इस बिंदु को मिला लेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये हमारा आधार तो हो गया है, वर्गमूल 2 और लंब हो गया दोस्तों हमारा 1। तो हमारा कर्ण क्या होगा दोस्तों, हमारा कर्ण हो गया दोस्तों वर्गमूल 3 प्राप्त हो गया। इसके बाद में दोस्तों हम या तो अब दोस्तों हमको क्या निरूपित करना है, हमने दोस्तों अब ये वर्गमूल 3, अब वर्गमूल 3 की हम चाप काटेंगे, इसका हम दोस्तों प्रकार की सहायता से हमको इसको भी निरूपित करना पड़ेगा। तो ये बिंदु हम ये हमारा चाप काट लेंगे हम प्रकार की सहायता से। रेखा पर हम दोस्तों ये चाप भर लेंगे और ये हमारा ही कट जाएगा यहाँ पे। जहाँ पे कटेगा दोस्तों उसको हम क्या बिंदु नाम देंगे। ये हमारा दोस्तों ये हो गया अंडर रूट वर्गमूल 3। इसके बाद में दोस्तों या तो दोस्तों हम क्या करें, या तो हम करें दोस्तों वर्गमूल 5 के लिए, या तो हम आधार आधार 4 का निरूपण भी करें, या दोस्तों हम वर्गमूल 3 और लंब, आधार तो हमारा वर्गमूल 3 हो और लंब क्या हो जाए दोस्तों वर्गमूल 2। तो हम दोस्तों इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा क्या है वर्गमूल 3 है, उस पर 90 डिग्री का समकोण यानी दोस्तों समकोण का चित्र बनाएंगे। इस पे क्या करेंगे दोस्तों, समकोण का चित्र बनाएंगे, समकोण का चित्र बनाएंगे और स्केल की सहायता से इस बिंदु को मिला देंगे। इसको हम समकोण के चित्र बना देंगे और एक इसको काट देंगे। या तो दोस्तों हमारा ये लंब है, या तो इसको हम करेंगे 1, यानी हमारा इस 4 को निरूपित करें तब होगा डायग्राम पूरा, या हम सीधा इसको वर्गमूल 2 यानी लंब हमारा वर्गमूल 2 मान लेते हैं। तो वर्गमूल 2 का चाप काटेंगे इस पे हम, ये हमारा वर्गमूल 2 का चाप मैं काट लेता हूँ दोस्तों। बिंदु P1, ये तो हमारा बिंदु P1 हो गया और ये हो गया दोस्तों बिंदु P2। तो इस बिंदु P2 से वर्गमूल 2 का हम चाप काट लेंगे और बिंदु को हम इसको मिला लेंगे। इसको मैं मिला देता हूँ फिर दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा वर्गमूल 5 हो गया, ये हमारा दोस्तों वर्गमूल 2 हो गया। तो हमारा दोस्तों आधार तब दोस्तों हमारा क्या होगा, आधार होगा वर्गमूल 3 और लंब होगा वर्गमूल 2। तो हमारा कर्ण क्या होगा दोस्तों, वर्गमूल 3।
अब दोस्तों हम वर्गमूल पाँच का चाप काटेंगे। पाँच का पहले चाप भरेंगे, फिर संख्या रेखा पर हम इसको काट लेंगे। तो ये दोस्तों ये बन गया हमारा। तो ये हमने निरूपित कर लिया। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हमारा वर्गमूल पाँच, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में